Students, how are you? I hope you are fine. Students, we have done chapter 4 of SS class 6th. Name of our chapter is maths and this chapter is from geography portion. हम ये कर चुके हैं ये chapter. Students, हमने इस chapter में पढ़ा था कि maps के कितने प्रकार हैं, physical map, political map, thematic map और फिजिकल मैप में क्या शो किया जाता है. फिजिकल मैप में प्लेट्यूज, रिवर्स, प्लेन्स, ओशंस ये शो किए जाते हैं. और जो पॉलिटिकल मैप है इसमें सिटीज, टाउन्स, विलेजेस. और थीमेटिक में मीन्स हम कोई एक स्पेशल थिंग जो है वो शो करते हैं. जैसे हमें किसी स्थान की रेनफॉल शो करनी है तो हम रेनफॉल शो करते हैं. इसके बाद है हमने मैप में क्या डिफरेंस है, स्केच क्या होता है और स्केल क्या होता है ये सब हमने पढ़ा. अब स्केच क्या है, एक रफ ड्राइंग है. और मैप जो है पूरा हम स्केल के साथ करते हैं. एक हमने ये पॉइंट था इस लेसन में कि जो जमीन पे जो दूरी है उसको हम मैप में कैसे शो कर सकते हैं. तो जो अर्थ पे इतनी हजारों किलोमीटर की दूरियां होती हैं उनको हम कैलकुलेट करके तब हम मैप में शो करते हैं. हमने पढ़ा इसमें कंपोनेंट्स ऑफ मैप कि मैप के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स. डिस्टेंस के आधार पर मैप बनाया जाता है और हमने सारी डायरेक्शंस भी पढ़ी है इस चैप्टर में. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ये कौन सी जगह किस एरिया में पड़ती है, किस डायरेक्शन में पड़ती है. एक है सिंबल. हमने इसमें कन्वेंशन सिंबल्स पढ़े हैं. कन्वेंशन सिंबल्स वो होते हैं जो पूरे संसार के द्वारा मान्यता प्राप्त है. मींस पूरे वर्ल्ड ने इन कन्वेंशन साइन को रिकॉग्निशन दी है, अपनी अपनी मान्यता दी है. जब भी कोई मैप बनाया जाता है तब ये कन्वेंशनल साइंस यूज किए जाते हैं. हम चाहे मैप इंडिया में बना रहे हैं, हम चाहे मैप अमेरिका में बना रहे हैं बैठकर, लेकिन हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स, कन्वेंशनल साइंस सबके एक जैसे होते हैं. ये एक जैसे इसलिए होते हैं क्या, हम किसी भी एरिया का मैप पढ़ें या हम किसी भी कंट्री का मैप स्टडी करने की कोशिश करें तो ये कन्वेंशनल सिंबल्स हमें बहुत हेल्प करते हैं. तो स्टूडेंट्स आज हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. व्हाट आर द थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप, कि एक मैप के कॉम्पोनेंट्स, जो थ्री कॉम्पोनेंट्स हैं, जो तीन घटक होते हैं मैप के, वो क्या होते हैं. थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मैप आर, मैप के तीन घटक हैं, तीन कॉम्पोनेंट्स हैं. नंबर वन डिस्टेंस, डिस्टेंस मैंने दूरी. नंबर टू डायरेक्शन, डायरेक्शन मैंने दिशा. एंड नंबर थ्री इज सिंबल, सिंबल मैंने चिन्ह. ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, मैप के कंपोनेंट्स होते हैं. व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शन, चार कार्डिनल डायरेक्शन क्या हैं, मतलब हमने डायरेक्शन दिशाएं बतानी है, चार मेन दिशाएं. नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, साउथ यानी कि दक्षिण दिशा, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा, वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्केल ऑफ द मैप, कि आप मैप के स्केल से यानी कि आप मानचित्र के पैमाने से, स्केल मैंने पैमाना, पैमाने से आप क्या समझते हैं. स्केल इज अ रेशियो बिटवीन, स्केल एक रेशियो है बिटवीन किसके बीच का, द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन अ मैप, कि वास्तविक में ग्राउंड की दूरी कितनी है उसका और वो मैप में जो दूरी दिखाई गई है उसके बीच का वो रेशो होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ अ मैप हैज अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, यदि किसी मैप का स्केल दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, इट मीन्स तो इसका मतलब है दैट 5 किलोमीटर डिस्टेंस, की 5 किलोमीटर की दूरी जो है ऑन द ग्राउंड, 5 किलोमीटर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड की 5 किलोमीटर की जो दूरी है किसी ग्राउंड की इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, वो मैप पर 1 सेंटीमीटर के बराबर है.
ठीक है, मतलब अब हम पेपर पर 5 किलोमीटर तो दिखा नहीं सकते, तो हमने स्केल के अकॉर्डिंग उसे छोटा कर दिया, और जिस अकॉर्डिंग हमने उसको छोटा किया वो रेशियो हमने यहाँ पर लिख दिया। मीन्स जैसे कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर, कुछ भी रेशियो हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना मैप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल देन अ ग्लोब, कि जो मानचित्र हैं वो ग्लोब की बजाय ज्यादा हेल्पफुल क्यों होते हैं, ज्यादा सहायक क्यों होते हैं? आंसर, ग्लोब। अब ग्लोब क्या है? देखिए, अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, प्रतिरूप बिल्कुल उसके जैसा दिखने वाला, यानी कि उसका मॉडल। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन शोन इट इन देयर ट्रू शेप एरिया एंड लोकेशन। ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के सभी भागों को कैन बी शोन ऑन इट, हम इस पर दिखा सकते हैं, इन देयर ट्रू शेप, बिल्कुल सही शेप में, उसके सही एरिया के साथ और उसकी सही लोकेशन, यानी कि वो किस जगह पर स्थित है उसके अनुसार। लिमिटेशन ऑफ मैप, मैप की लिमिटेशन क्या क्या है? देखिए, इफ यू वांट टू स्टडी अ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज कैन बी बेस्ट स्टडीड बाय अ मैप, नॉट ऑन अ ग्लोब। कहने की यदि हमें ना किसी छोटे एरिया के बारे में स्टडी करनी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू स्टडी अ स्टेट, हम किसी राज्य की स्टडी करना चाहते हैं, किसी एक जिले की करना चाहते हैं, या किसी एक गांव की कर सकते हैं, गांव की करना चाहें तो कैन बी बेस्ट स्टडी, तो उसकी बेस्ट स्टडी हम मैप पर कर सकते हैं, ग्लोब पर नहीं, क्योंकि ग्लोब पर तो कंप्लीट अर्थ को दिखाया गया है और उस पर तो कंट्री ही बहुत छोटी सी दिखती है। यदि हम बात करें किसी स्टेट या किसी विलेज की, तो वो तो उस पर दिखाना ही नामुमकिन है, तो ऐसी जगह पर हम मैप का यूज करते हैं। यूज ऑफ मैप, मैप का क्या यूज होता है? देखिए, मैप कैन शोन मैनी फैक्ट्स, मैप पर हम कई चीजें दिखा सकते हैं। मैप कैन बी इजीली रोल्ड, मैप को हम इजीली रोल यानी लपेट सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेड, और एक जगह से दूसरी जगह भी हम आसानी पूर्वक ले जा सकते हैं। एटलस प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब, जो एटलस है, एटलस क्या होता है? जो मैप की बुक होती है ना बेटा, उसे हम एटलस कहते हैं, और जो एक एटलस है वो हमें काफी ज्यादा, एटलस यानी कि वो पूरी बुक का, मैप्स का कलेक्शन हो गया, वो हमें काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मैप एंड अ प्लान, एक मैप और एक प्लान के बीच में क्या डिस्टिंग्विश, क्या डिफरेंस होता है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पहले हम देखते हैं प्लान क्या होता है। प्लान आर शोन ऑन अ लार्ज स्केल, जो प्लान है वो एक बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। प्लान शोन डिटेल ऑन अ स्मॉल एरिया, प्लान में क्या दिखाया जाता है? किसी स्मॉल एरिया को शो किया जाता है, छोटा एरिया, जैसे कोई गांव है, ठीक है, या कोई एक बिल्डिंग है, ऐसी जगह पर हम प्लान का यूज करते हैं। मैप, मैप इज ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल, मैप को किसी एक छोटे स्केल पर दिखाया जा सकता है। इट शोज इम्पोर्टेंट फीचर, इस पर कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, लार्ज एरिया के, ठीक है। वो एक स्मॉल, ये तो जो था आपका एक स्मॉल एरिया का दिखा रहा था प्लान, लेकिन मैप पर हम लार्ज एरिया भी दिखा सकते हैं। अ मैप शोन कंटिनेंट्स, एक मैप पर हम महाद्वीप दिखा सकते हैं और कंट्रीज और देशों को भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्लान है, प्लान इज यूज फॉर शोइंग बिल्डिंग, प्लान को हम किसी बिल्डिंग, कोई इमारत को दिखाने के लिए, कोई स्कूल, प्लेग्राउंड, ठीक है, इस टाइप हम किसी भी बिल्डिंग या कोई भी ग्राउंड को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक स्मॉल एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मैप प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, कौन सा मैप हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब जो सूचना हमें डिटेल में प्रदान कर रहा है? तो लार्ज स्केल मैप, जो बड़े पैमाने का जो मानचित्र है, ठीक है, लार्ज स्केल मैप आर लार्जर इन साइज, वो साइज में बड़ा होता है। दीज मैप शोन मैन मेड एंड द नेचुरल फीचर्स, ये जो मैप है इन पे मैन मेड, मानव द्वारा बनाए गए फीचर्स और प्राकृतिक फीचर्स भी दिखाए जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल, किन्हीं सिंबल, किन्हीं चिन्हों की सहायता से। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन, और हमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही लार्ज स्केल मैप देते हैं, क्योंकि उसमें हम किसी जगह को बड़ा कर दिखाते हैं ना, उसके लिए हमने बड़े स्केल का यूज किया है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 किलोमीटर जगह दिखानी है तो हम 1 सेंटीमीटर में दिखाएं, या जो हमने 10 किलोमीटर जगह दिखानी है उसे हम 10 सेंटीमीटर में दिखाएं, क्योंकि जब हम उसे 10 सेंटीमीटर में दिखाएंगे तो वो लार्ज स्केल मैप बनेगा और उस पर हम ज्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू सिंबल्स हेल्प इन रीडिंग मैप। सिंबल्स जो होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, वो किसी मैप को पढ़ने में हमारी सहायता कैसे करते हैं। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज टू शोन नेचुरल एंड मैन मेड फीचर। अलग अलग प्रकार के सिंबल्स प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक और मानव द्वारा बनाए गए फीचर्स को दिखाने के लिए। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल साइन। इन्हें हम कन्वेंशनल साइन यानी कि रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। दीज सिंबल्स आर कॉल्ड अ लैंग्वेज ऑफ मैप। इन सिंबल्स को हम मैप की लैंग्वेज यानी कि मैप की भाषा भी कह सकते हैं। मतलब जो मैप रीड करने वाले लोग हैं वो इन सिंबल के अकॉर्डिंग ही मैप को पढ़ लेते हैं। डिफाइन कीजिए ग्लोब क्या होता है, ग्लोब किसे कहते हैं। ग्लोब इज अ स्फीयर, एक स्फीयर शेप में है, गोलाकार शेप में है एंड इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का एक ट्रू मॉडल है। नंबर 2, मैप। मैप क्या होता है, मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ सरफेस। मैप भी अर्थ के किसी एक सतह का ड्रॉइंग किया हुआ है, ड्रॉन ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, पेपर की समतल प्लेट पेपर के ऊपर, ठीक है, फ्लैट पेपर पर, गोलाकार नहीं होता है मैप। फिजिकल मैप क्या होते हैं, देखिए मैप शोन नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ। किसी मैप पर जब हम प्राकृतिक चीजों को दिखाते हैं सच एज माउंटेन, जैसे कि पर्वत, प्लेटूज यानी कि पठार, प्लेन यानी मैदान, रिवर्स नदियां, ओशंस, महासागर आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। तो इस टाइप के मैप को हम फिजिकल या फिर रिलीफ मैप कहते हैं। अब पॉलिटिकल मैप क्या होता है, 3 टाइप्स के मैप होते हैं हमारे बेटा। एक होता है हमारा पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप। तो जो फिजिकल मैप में तो हमने देखा कि उसके ऊपर आपकी जो है नेचुरल फीचर्स दिखाए गए थे, और पॉलिटिकल मैप क्या है वो देखिए। पॉलिटिकल मैप में मैप शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। मैप पर क्या दिखाया गया, मैप शोन सिटीज, टाउन एंड विलेजेस। मैप के ऊपर कई शहरों को, कस्बों को और गांवों को, स्टेट्स को और कंट्रीज को दिखाया जाता है। कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की किसी भी कंट्री को, स्टेट को दिखाया जाता है विद देयर बाउंड्रीज, जिसमें उसकी बाउंड्री, उसकी सीमाएं दिखाई जाती है। मतलब एक राज्य कहां से कहां तक है, जैसे आपने भारत का मैप देखा, भारत की बाउंड्री बन गई, तो वो पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। एक होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप को हिंदी में भी हम थीमेटिक मैप ही कहते हैं। थीमेटिक मैप क्या होता है, मैप विच प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। मैप वो जो कि एक कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को प्रदान करते हैं, सच एज रोड मैप, जैसे कि किसी सड़क का मैप हो, रेनफॉल मैप, वर्षा के बारे में हो, इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया हो, वो थीमेटिक मैप होते हैं। प्लान क्या है, अ प्लान इज अ डिटेल मैप ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। प्लान जो है इज अ डिटेल्ड मैप, इसमें हमें डिटेल में बताया जाता है मैप पर स्मॉल एरिया को एक लार्ज स्केल के द्वारा। छोटे से एरिया के लिए हम बड़े स्केल का यूज करते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन डिटेल में प्राप्त होती है। स्केच क्या होता है, स्केच इज अ रफ मैप ऑफ द एरिया विदाउट स्केल। स्केच क्या है, बिना स्केल की सहायता से हम एक रफ स्केच बना दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्रेंड ने हमसे पूछा कि भाई मुझे आपके घर आना है तो आप अपने घर का रास्ता बताइए, तो हमने पेपर पर ही ड्रॉ कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, एक ट्री आएगा, आप टर्न कर जाना, फिर एक चाय की शॉप होगी, आप टर्न कर जाना, ऐसे 1, 2 या 3 घर आएंगे, तो जो 3 नंबर वाला घर है वो हमारा है। या आपने शादी के कार्ड के ऊपर भी एक रफ स्केच देखा होगा कि जहाँ पर वो शादी हो रही है वो बैंकेट हॉल, उस तक पहुँचने का रास्ता कहाँ कहाँ पर है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एटलस। एटलस क्या होती है, एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप। एटलस जो है वो मानचित्र की किताब है। मानचित्र की पुस्तक को हम एटलस कहते हैं। एटलस में बहुत सारे मैपों को एक साथ लगाया जाता है। विच कलर आर यूज ऑन अ मैप। मैप पर कौन से कलर का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैप पर डिफर कलर का यूज किया जाता है बेटे। जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग वाटर। ब्लू कलर को हम वाटर दिखाने के लिए, वाटर बॉडीज दिखाने के लिए, मीन्स ओशंस हैं, रिवर्स हैं, वेल हैं,
ठीक है, ब्राउन कलर फॉर माउंटेन, ब्राउन कलर हम पर्वत दिखाने के लिए, येलो फॉर प्लेटूज, प्लेटू यानी पठार दिखाने के लिए हम येलो कलर का यूज करते हैं, एंड ग्रीन इज यूज्ड फॉर प्लेन और मैदान को दिखाने के लिए हम हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपका लास्ट क्वेश्चन है कन्वेंशनल साइन यानी कि रूढ़ चिन्ह क्या होते हैं। मैंने आपको बताया ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज का काम करते हैं, मैप पर हम सब चीजों को दिखा नहीं सकते हैं, तो एक्चुअल शेप में तो हम ये साइन बना देते हैं। ये साइंस आपकी बुक में दे रखे हैं, तो मैं बुक का ही पेज आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्स के लिए किस टाइप का साइन बनाया गया है, कुओं के लिए किस प्रकार का साइन बनाया गया है, ठीक है, पक्की सड़क बनाई गई है तो उसके लिए क्या साइन बनाया गया है, इस टाइप से ये कुछ कन्वेंशनल साइन है। ठीक है बेटा।